बोकारो दिनभर में आज सेक्टर 4G में एक युवक का शव बरामद, बताएंगे। बोकारो डीसी क्यों पहुंचे चचका धाम, जानेंगे। अपने कर्मियों की सुरक्षा के लिए BSL ने एक और कदम उठाया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिनभर, मैं प्रियंका। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को द टाइम्स मीडिया की पूरी टीम की तरफ से सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ, हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, यूथ इंटेक ने मनाई बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की 101वीं जयंती, इसकी भी बात करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। किसान आंदोलन का आज 51वां दिन, प्रधानमंत्री 16 जनवरी को लॉन्च करेंगे वैक्सीन अभियान, आज है 73वां सेना दिवस। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 15,590 नए मामले, 191 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 340 नए मामले, 4 की मौत। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 549 अंक और निफ्टी 161 अंक गिर कर बंद हुआ। सोने की कीमत 20 रूपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 600 रूपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की तीन बड़ी खबरों पर। चतरा के 15 लाख के इनामी उग्रवादी मुकेश गंजू ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड से भेजे गए एक भी सैंपल में नहीं हुई बर्ड फ्लू की पुष्टि। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 144 नए मामले, 173 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के सेक्टर 4G में गुरुवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब 40 वर्षीय एक युवक का उसके घर से शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हर कोण से मामले की जांच कर रही है। समीर कुमार नाम का व्यक्ति है, मतलब कि उसका जो मृत्यु का जो कारण है, मतलब कि घर वालों के अनुसार अत्यधिक शराब पीने के कारण बताया जा रहा है। और इसके आगे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ही जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार हम लोग बता सकेंगे। हम लोगों को सूचना मिली 3 बजे के आसपास, घर पे कोई नहीं थे। उसके परिजन के द्वारा ही दरवाज़ा तोड़ा गया है और वही मतलब कि हम लोगों को तोड़ने के बाद हम लोगों को सूचना दी गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर गुरुवार को बोकारो डीसी राजेश सिंह चास के चचका धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने वार्षिक पूजा के दौरान पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि चचका धाम मंदिर बोकारो जिला ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में धार्मिक रूप से प्रसिद्ध है। आज इस वार्षिक पूजा महोत्सव के दौरान मंदिर में आकर मन को शांति मिली। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 और नए मामले सामने आए, वहीं 7 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए, जबकि 513 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। बिहार के 21वें मुख्यमंत्री पंडित बिंदेश्वर दुबे की 101वीं जयंती बोकारो यूथ इंटेक ने बोकारो कार्यालय में गुरुवार को मनाई। मौके पर यूथ इंटेक के राष्ट्रीय सचिव रविंद्र चौबे ने कहा कि बिंदेश्वरी दुबे एक स्वतंत्रता सेनानी, ट्रेड यूनियनिस्ट और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने मजदूर तबके के लोगों के लिए कई अभियान चलाए हैं और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा भी की है। अपनी कर्मियों के सुरक्षा के लिए BSL ने एक और कदम उठाया है। BSL के HRD में गुरुवार को व्यवहार आधारित सुरक्षा पर ऑब्जर्वर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मियों को व्यवहार आधारित सुरक्षा की महत्ता और उससे होने वाले लाभ के भी बारे में बताया गया। साथ ही कर्मियों को BBS ऑब्जर्वर के काम करने और ऑब्जर्वर कार्ड भरने के तरीके के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं प्रतिभागियों से व्यवहार आधारित सुरक्षा को अपनाकर दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करने की अपील की गई। BSL के कोक अवन और BPP के मैकेनिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में गुरुवार को रेनोवेट हुए हाइड्रोक्लोरिक पावर पैक का उद्घाटन किया गया। कोक अवन और BPP के मैकेनिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस और ऑपरेशन डिवीजन के अधिकारियों और कर्मियों ने मिलकर हाइड्रोक्लोरिक पावर पैक का रेनोवेशन किया। हाइड्रोक्लोरिक पावर पैक का रेनोवेशन हो जाने से हाइड्रोक्लोरिक पंप, हाइड्रोक्लोरिक वाल्व, हाइड्रोक्लोरिक सिलेंडर की टेस्टिंग आसानी से मैकेनिकल मेंटेनेंस के वर्कशॉप में हो सकेगी।
बोकारो के सिटी पार्क में गुरुवार को लक्ष्य इंडिया फाउंडेशन ने झारखंड सरकार के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के मदद से 100 श्रमिकों के बीच शर्ट पैंट साड़ी और सूखा राशन वितरण किया। इस्पात स्पर्श की टीम ने गुरुवार को महेशपुर गांव में जरूरतमंदों के बीच कपड़ों का वितरण किया। सेल के सर्विस स्कीम से प्रेरित होकर स्पर्श की टीम जरूरतमंदों के बीच लगातार सेवा प्रदान कर रही है। हमारे स्वास्थ्य का पानी से सीधा रिश्ता है। स्वस्थ पानी पीने से हम भी स्वस्थ रहते हैं। एक अध्ययन यह बताती है कि बिना पानी पिए हम सिर्फ 7 दिन ही जिंदा रह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन पानी से भी ज्यादा जरूरी है शुद्ध पानी। सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत में 63% लोगों को साफ पानी पीने नहीं मिलता है, और हम सभी जानते हैं कि साफ पानी सभी के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। गंदा पानी पीने से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण हमें हैजा, टाइफाइड, पेचिस और कई बीमारियाँ हो सकती है। ऐसे में आम आदमी के पास साफ पानी पीने का एक विकल्प वाटर प्योरीफायर है, लेकिन वाटर प्योरीफायर खरीदने के बाद भी कई लोगों को शुद्ध पानी को लेकर कई तरह की कंप्लेंट होती है, क्योंकि वाटर प्योरीफायर खरीदते वक्त हमें यह पता नहीं होता कि कौन सा वाटर प्योरीफायर हमारे लिए सही है। अगर आप भी वाटर प्योरीफायर खरीदना चाहते हैं तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीजन बोकारो टाइम्स के प्रोग्राम RO वाटर प्योरीफायर कौन सा ले देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और 99% देखा जाए तो आधे से ज़्यादा बीमारी हमारे घर से ही निकलता है। उससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी यह बीमारी दूर होंगी कि वो कितना शुद्ध है, तो आधा शुद्धता आपको वहाँ ख़त्म हो जाता है। पानी का मिनरल्स को बनाए रखता है, पानी चेक किया जाएगा, पानी का TDS देखा जाएगा, और देखा जाए तो हमेशा 100 के ऊपर का ही TDS का पानी अच्छा होता है। तो पानी RO भी होगा, गर्म भी होगा, ठंडा भी होगा। हाँ सर, सब में अलग अलग फंक्शन है, आप फंक्शन जरूर जान लें। चार टेक्नोलॉजियाँ काम करती है, उसको वो कम बेसी करता है। हाँ। वो उसका भी एक मशीन होता है जो उसे वो मारता है। बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जो कि वहाँ से भी फिल्टर से भी वो निकल जाते हैं, पर आप अगर समरसेबुल लगाए हैं तो आपको ये सारा फंक्शन लेना होगा, तभी आपको जाके पानी शुद्ध मिलेगा। तो सर किसी किसी मशीन में नहीं होता, सफिशियंट है। ऑफलाइन इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि बिना बिजली का चलती है। इसमें 2-3 फंक्शन एक्स्ट्रा है, ग्लास को सेंस करेगा। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। लगभग एक सप्ताह तक सर्दी में गर्मी का एहसास कराने के बाद मौसम में पिछले 2-3 दिनों से फिर भारी बदलाव आया है। हालांकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज भी सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। दिन में गुनगुनी धूप का लोगों ने आनंद उठाया, तो वही दिन ढलते ही ठंड में कनकनी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।